चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। अभिनेता से नेता बने दिनेश लाल ने रहुआ की मूवी का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिनेश लाल ने रहुआ की फिल्म लल्लू की लैला का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसका इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे। फाइनली फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुका है और हर कोई इस पोस्टर को काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। आपको बता दें कि फिल्म के पोस्टर में जहां निरहुआ पोस्टर में सोफे पे बैठे नजर आ रहे, तो वहीं आम्रपाली दुबे स्वैग के अवतार में नजर आ रही है और पोस्टर में यामिनी सिंह का बिल्कुल ग्लैमरस अवतार और चश्मा पहने हुए नजर आ रही है, जो पोस्टर में काफी ज्यादा धासु लग रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पोस्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ पोस्टर पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और निरहुआ और आम्रपाली दुबे के फैंस इसे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही फिल्म का रिलीजिंग डेट भी अनाउंस कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि फिल्म 15 अगस्त से बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। हालांकि पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका रिवील नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। अब देखना यह है गोवा की फिल्म का ट्रेलर कब जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। लल्लू की लैला में दिनेश लाल निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे, यामिनी सिंह, प्रकाश जैस, सुशील सिंह जैसे मजे हुए कलाकार फिल्म में नजर आने वाले हैं, जबकि फिल्म के निर्माता हैं रत्नाकर कुमार, जबकि निर्देशक की बागडोर संभाली है सुशील कुमार उपाध्याय ने।